वेलकम टू माई व्लॉग। और टाइम बाद मैंने साइकिल व्लॉग बनाया, बट मेरा आज मूड बना तो मैंने व्लॉग बना दिया। और लाइट भी अच्छी है। बाय द वे, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। कि ये एक्चुअली यूट्यूब चैनल का नाम जो है ये पॉजिटिव डिस्कोर्स टीवी है। मैंने एक्चुअली जो पहली दो वीडियोज डाली थी उसी का कंटिन्यूएशन होगा। उसमें हर बात की चर्चा और अलग अलग सीरीज बनाऊँगा मैं, जो मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग इशूज़ पर बात करनी चाहिए, इस पर यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये और मेरे फ्रेंड का एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं आप। तो मेरे फ्रेंड भानु और मैंने ये चैनल शुरू किया है, पॉजिटिव डिस्कोर्स टीवी। मैंने नाम इसलिए रखा बिकॉज डिस्कोर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कम्युनिकेशन, डिबेट, वर्बल कम्युनिकेशन। एंड आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग पॉजिटिव ऑन यूट्यूब, बिकॉज नेगेटिविटी तो बहुत जगह बढ़ी बढ़ी है। इसलिए मैंने ये इसका नाम पॉजिटिव डिस्कोर्स टीवी रखा है। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई अदर चैनल पॉजिटिव डिस्कोर्स टीवी। कल भी मैंने वकार के साथ ब्लॉग बनाया था, वो एक छोटा सा पार्ट बनाया था मैंने कार में। तो अब वो देखिए। वकार, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस समथिंग फॉर माय सब्सक्राइबर्स। हियर इज माइक। फरहान बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही आगे जाएगा, पीछे भी जा सकता है वैसे तो, अगर रिवर्स लेना पड़े तो। और ये हाल होता है जब आपकी शादी हो जाती है। दिस इज द फेस, दिस इज आफ्टर शादी फेस। डूड इज आफ्टर शेव फेस। व्हाट इज अ मीम, बताइए मीम क्या होता है? मीम उस इमोशन का नाम है। क्या ये अलिफ लाम मीम है या कुछ और मीम है? नहीं, ये मीम मीम दो बार है। मीम से आप अपने आप को समझा सकते हो सामने वाले को, जिस तरह से हम समझा रहे हैं दैट इज वेरी बोरिंग, क्योंकि मीम को समझने के लिए मीम समझना पड़ेगा। मैं तो बहुत कुछ ज्यादा समझ गया इसके आंसर से। हाँ, कि आपको मीम समझने के लिए आपको मीम पहले समझना पड़ेगा, तभी तो आप मीम समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे कि मीम कैसे समझना है। और आप ये इस गलत फहमी में मत पड़िए कि ये मीम मीन मीडियन मोड का एक पार्ट है। हाँ, वो मीम है, वो एम ई ए एन है, और ये एम ई एम ई है। मतलब मैं दो बार, मैं मतलब आप दो हो। हाँ, मतलब आप एक नहीं हो, यू आर टू, बिकॉज यू आर अ मीम। मैं सो मतलब बकरी हो तो वो तो बस मैं ही करेगी। या एंड दिस इज आल्सो अ मीम कि बकरी मैं कर रही है। या तो मीम की शुरुआत कहाँ से हुई? मीम की शुरुआत कहाँ से हुई वकार, बताइए जी। पुराने जमाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो वो जो जमाना हुआ करता था 2014 का, जो प्राचीन युग था, जहाँ हम हमारे पूर्वज मतलब जो हम ही थे 2014 में, वो किसी चीज को समझाने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे पास कोई जरिया नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2GB का नेट हुआ करता था, वो भी 2G। तो वो एक हमारा रिसेशन का एक समय था। हम कैसे जी रहे थे हम ही जानते हैं। आप मुझे बताइए मीम की शुरुआत कैसे, आप 2G कैसे पहुंच गए? अरे आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। तो हमको कम टाइम में बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती थी। तो एक हमारे जो लीडर्स थे उस जमाने के, जो शायद हमसे जम सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में होंगे, उन लीडर्स ने एक कॉन्फ्रेंस करी होगी वहाँ सब। ऑल इंडिया मीम कॉन्फ्रेंस, वहाँ सब आए हुए थे। तो वहाँ शायद एक लड़का भी आया था जो स्टैमर करता था। तो उससे किसी ने पूछ लिया, हू आर यू? तो उसने बोला मी मी, एंड दैट्स हाउ द वर्ड मी वुड हैव कॉइंड। ओह माय गॉड, डोंट किल योरसेल्फ। अब मैं बोल रहा, डोंट किल योरसेल्फ। नो नहीं, डोंट किल ओवर आई उसने। तो दैट्स हाउ द मीम ऑल स्टार्टेड। फिर ऑल इंडिया बकचोद आ गया, मैं ये कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया। ऑल इंडिया बकचोद ने हमारे काफ़ी सारे जोक्स चुराए हैं, और ये हम कैसे बताएं, क्योंकि ये जोक्स हमें लीक करे ही नहीं थे, ये जोक्स हमने पब्लिक भी नहीं किए थे। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप मीम बनाओ, दुश्मन नहीं। वाओ वकार,
वाओ, एक और बार बोल दीजिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मीम बनाओ दुश्मन नहीं। तो दोस्तों आज का कोट, मीम बनाओ दुश्मन नहीं। यस, क्योंकि मीम से आप किसी को ज्यादा ऑफेंड कर सकते हो उसको मारने से ज्यादा। ऑफेंड समवन बाय मीम, क्योंकि वो एक परफेक्ट और परमानेंट आंसर होगी। अब वकार, हमने देखे हैं कि मीम्स के भी अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग टाइप्स आ गए हैं। डैंक मीम्स, डार्क मीम्स, नॉर्मीज, ये क्या है? एक संस्कारी प्रकार के लोग होते हैं, उनके सामने आप BTMC एनीथिंग जो आप बोलते हो तो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है? और वो ना तो अपनी लाइफ के ऊपर, ना अपने रिलीजन के ऊपर, ना अपने सोसाइटी के ऊपर, ना अपने कंट्री के ऊपर, वो इन सब चीज़ों पे जोक बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी जो सहन शक्ति होती है वो बहुत वीक होती है, एंड दे गेट ऑफेंडेड वेरी इजीली। तो उन लोगों के लिए भी जो मीम सोसाइटी है, उन्होंने सोचा कि इन लोगों का भी हमको सोचना चाहिए, तो उन्होंने नॉर्मीज मीम शुरू किया। और ऐसे लोगों को नॉर्मीज कहते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल बजाती है, इसे नॉर्मीज कहते हैं, ठीक है? तो आप फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस देखेंगे आरबीसी के, लाफिंग कलर्स, जहाँ पर हम जैसे लोग तो अपने आपको मारना पसंद करेंगे मीम्स का ज्यादा। लाइक माय फ्रेंड लाफ्ड ऑन सच मीम्स, दैट वुड बी द लास्ट डे ऑफ फ्रेंडशिप। ओह माय गॉड। तो ऐसे मीम्स जो मतलब बॉलीवुड को पिक्चर लगा देंगे, बोले हाथ में चींटी को बोला मार दूंगा और हाथी में चींटी को बोला भाग जाऊंगी, तो लोग हंसते हैं उससे। तो ये दिस इज द नॉर्मल काइंड ऑफ। सेकंड जो एक प्रो प्रजाति है, प्रो प्रजाति, दे आर कॉल्ड द टैंक, टैंक मीम्स, वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। It will be related to your religion. It will be किसी भी topic पे हो सकता है। If you follow Narendra Modi, it will be against Narendra. If you follow Rahul Gandhi, it will be against Rahul Gandhi. If you belong to a particular religion, it will be against your religion. But either you get offended, either you scrolled it. So this is the dank meme. You have to laugh on it, but it's very dark humor. It's very dark. We can't discuss it here. Darker than dark chocolate? Yes, darker than dark chocolate. Darker than Vikas also. Sorry, Vikas. मैं edit कर दूँगा। हाँ, लेकिन dank meme को समझाने का यही तरीका है। So that's how, फिर यही दो memes की categories होती है। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा dank memes क्या होते हैं और normie क्या होता है। In the world of memes, don't be a normie. Either laugh on the dank memes or scroll it. Or watch Pogo. Yeah, watch Pogo, watch Cartoon Network, watch Create Chacha Chaudhary.